बुनियादी ढांचे का विकास सिर्फ कनेक्टिविटी को ही बेहतर नहीं बनाता है बल्कि लोगों की जीवन शैली को भी बदल देता है। ऐसा ही बदलाव का लंबा इंतजार किया बुंदेलखंड ने। यह इंतजार आज खत्म होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कैसे बदलाव आएगा ये खास रिपोर्ट देखिए। ये एक्सप्रेसवे है कनेक्टिविटी का, ये एक्सप्रेसवे है तरक्की का और इसका उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी शनिवार को सुबह करीब 11:30 बजे जालौन जिले की ओराई तहसील के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। कुल 296 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया है और आगे चलकर इसे 6 लेन तक भी विकसित किया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से लेकर इटावा तक यूपी के 7 जिलों को कनेक्ट करता है जिससे दिल्ली और लखनऊ की दूरियां अब कम होने वाली है। फायदा इससे ये होगा कि किसान यहाँ पर मटर ज्यादा उगाते हैं, वो अपनी फसलें जल्दी से बाजार में बेच पाएंगे और यहाँ पर उद्योग धंधे लगने की वजह से रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पीपल, एक बरगद और एक पाकड़ का पेड़ लगाया जाएगा और ऐसे 75 पेड़ लगाए जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के साइड में। ये 75 पेड़ जो 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो मार्क किए जा रहे हैं उसका एक प्रतीक होगा और हमारी तैयारी माननीय प्रधानमंत्री जी को जनपद जालौन में स्वागत करने के लिए पूरी तरह से दुरुस्त है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के लिए हजारों रोजगार का सृजन होगा। बांदा और जालौन जिले में इस एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। वाराणसी के सैन आर्टिस्ट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शानदार मॉडल तैयार किया है जिसमें बुंदेलखंड का इतिहास और संस्कृति को शानदार तरीके से उकेरा गया है। जालौन से विशाल बैरिस्तो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।